गुड मॉर्निंग गाइस एम आई ऑडेबल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एम आई ऑडेबल गाइस गुड मॉर्निंग प्लीज कंफर्म कर दो चैटबॉक्स में ओके okay. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज हमें वी आर एम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है विच इज एस्टिमेटिंग वोलाटिलिटीज एंड कोरिलेशन नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि वोलाटिलिटी के ऊपर तो हमने बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है वी डिस्कस्ड हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी वी डिस्कस्ड इम्प्लाइड वोलाटिलिटी बट हम लोगों ने मॉडल्स नहीं किए कि अगर हमें सिग्मा को एस्टिमेट करना है तो क्या हम कोई मॉडल यूज कर सकते हैं तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं राइट right? तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने वाला आज का क्लास बिकॉज ऑल दिस इज मॉडलिंग स्टफ वी में सारा कुछ मॉडलिंग ही है तो काफी प्रैक्टिकल स्टफ आने वाला है आज की क्लास में और आने वाली क्लासेस में नाउ सपोज मेरे पास डेटा है निफ्टी के रिटर्न का एंड एच डी एफ सी रिटर्न का मेरे पास डेटा है निफ्टी रिटर्न का एंड एच डी एफ सी रिटर्न का मतलब मेरे पास स्टॉक प्राइस का डेटा था उससे मैंने रिटर्न्स निकाल लिए लॉग ऑफ करंट स्टॉक प्राइस बाय प्रीवियस स्टॉक प्राइस तो मेरे पास कंटिन्यूस रिटर्न्स आ गए निफ्टी के एंड कंटिन्यूस रिटर्न्स आ गए सी के मुझे क्या करना है मुझे एच के रिटर्न को रिग्रेस करना है विद निफ्टी के रिटर्न सो आई वॉन्ट अ रिग्रेशन मॉडल जो कि कैसा दिखेगा रिटर्न ऑन एच डी एफ सी इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन रिटर्न ऑन निफ्टी प्लस एर टर्म राइट तो मुझे क्या है? मुझे <coughs> sorry, करना है मुझे एच डी एफ सी के रिटर्न को सॉरी एच डी एफ सी के रिटर्न को रिग्रेस करना है निफ्टी के रिटर्न के साथ तो मैं देखना चाह रहा हूं कि एच डी एफ सी के रिटर्न कितने एक्सप्लेन होते हैं बाय निफ्टी के रिटर्न राइट right? तो हम लोग ये रिग्रेशन मॉडल फिट करेंगे नाउ ये जो रिग्रेशन मॉडल यहां पे लिखा हुआ है दिस इज द फेमस CAPM पी एम मॉडल इसको कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल भी बोलते हैं हम लोगों ने अभी फाउंडेशन को टच नहीं किया फाउंडेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल जो भी पर्सन फाइनेंस पढ़ता है ना सबसे पहले अंडरग्रैड में उसको सीएपीएम मॉडल सिखाया जाता है तो सीएपीएम मॉडल बेसिकली बोलता क्या है कि जो रिटर्न है ऑन ए स्टॉक दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय सम सिस्टमैटिक फैक्टर मतलब रिटर्न ऑन एच डी एफ सी कैन बी एक्सप्लेन बाय सम फैक्टर जैसे कि रिटर्न एंड सम आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर जैसे कि टर्म कहने का मतलब क्या है अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो एच डी एफ सी भी ऊपर जाएगा जनरली निफ्टी नीचे आएगा तो एच डी एफ सी भी नीचे आएगा इसका मतलब यू कैन एक्सप्लेन रिटर्न ऑन अ स्टॉक

एच डी एफ सी भी ऊपर जाएगा निफ्टी नीचे जाएगा तो एच डी एफ सी भी नीचे जाएगा तो ऑन रिटर्नसी कैन बी बाय सम सिस्टमैटिक फैक्टर विच इज गिवन बाय दिस टर्म एंड आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर दिस इज नॉन सिस्टमैटिक फैक्टर अनसिस्टमैटिक फैक्टर मतलब आज अदानी इतना ज्यादा गिरा राइट right? क्या निफ्टी दस दस परसेंट गिरा है नहीं बट अदानी दस परसेंट गिरा दैट इज बिकॉज ऑफ सम

फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है तो उसका स्टॉक बहुत जोर से गिरता है राइट right? इसका ठीक उल्टा किसी कंपनी में उस कंपनी में स्पेसिफिकली कुछ अच्छा होता है तो उसका स्टॉक बहुत जोर से बढ़ता है सो ऑल दिस इज आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स फैक्टर्स विच आर क्लोज टू दैट पर्टिकुलर कंपनी दे आर नॉट रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमी राइट सिस्टमैटिक फैक्टर जो है क्टर तो आप रिटर्न को एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू सम सिस्टमैटिक फैक्टर मैक्रो फैक्टर्स एंड थ्रू सम अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियो सिंक्रेटिक फैक्टर ये इक्वेशन क्लियर है ऑल दो हम लोग सीएपीएम को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे एटलीस्ट दो क्लास लगने वाला है उसके ऊपर बट मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है आज का टॉपिक इज नॉट ऑन सीएपीएम इट इज ऑन एस्टिमेटिंग वोलाटिलिटी राइट तो यहां पर मेरे पास डेटा था ई हैव दिस डेटा एच डी एफ सी के रिटर्न एंड निफ्टी के रिटर्न में इन दोनों के बीच में रिग्रेशन करना चाहता हूं तो रिग्रेशन करूंगा तो मुझे बी जीरो मिलेगा बी वन मिलेगा राइट नाउ बी जीरो एंड बी वन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने एक क्लास लिया था रिग्रेशन का फर्स्ट क्लास क्या क्या तरीके हैं ये क्विफिशंट को निकालने के तो बी जीरो एंड बी वन आप निकाल सकते हो थ्रू ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ओ एल एस राइट या थ्रू मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन एम ओएलएस टेक्निक भी निकाल सकते हो, हम लोगों ने सारे मेथड्स किए थे ये बीटा जीरो एंड बीटा वन निकालने के लिए तो अगर मुझे दो सिंपल मेथड दिखाने हैं एक बार मैं आपको डेटा एनालिसिस टूल पैक दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं करूंगा मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेशन से राइट तो लेटमी कम टू द एक्सेल शीट मेरे पास निफ्टी के रिटर्न है मेरे पास एच डी एफ सी के रिटर्न है यहां पर मुझे वाई लेके चलना है और एक्स वाई मेरा क्या है वाई इज एच डी एफ सी का रिटर्न बिकॉज मुझे एच डी एफ सी के रिटर्न को एक्सप्लेन करना है थ्रू निफ्टी के रिटर्न तो इक्वल टू इक्वल टू आई एम टेकिंग एच डी एफ सी रिटर्न एज माई वाई लेटमी ड्रैग इट डाउन सिमिलरली आई कैन टेक निफ्टी के रिटर्न्स एज एक्स राइट आप कोई भी सिस्टमैटिक फैक्टर ले सकते हो मैंने यहाँ पे निफ्टी लिया यू कैन टेक समर फैक्टर वेल। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें वो जीडीपी भी हो सकता है आपका राइट सो वी हैव वाई वी हैव एक्स इन दोनों के बीच में अपने को रिग्रेशन मॉडल फिट करना है तो वट आई कैन डू इज आई कैन गो टू डेटा डेटा में मैं जाऊंगा डेटा में जाके आई विल गो टू डेटा अनालिसिस टूल पैक डेटा डेटा एनालिसिस, ठीक है आई विल गो टू रिग्रेशन ओके मेरा वाई इज दिस आई एम टेकिंग द लेबल्स एज वेल मेरा एक्स इज दिस सिंस आई हैव टेकन लेबल्स तो मैं लेबल्स पे टिक करूंगा आउटपुट सपोज मैं कॉपी करता हूं इन दिस शीट ओनली इन सेल पी टू क्लिक ऑन ओके ओके पे क्लिक किया तो अभी मेरा रिग्रेशन का आउटपुट आएगा रिग्रेशन का आउटपुट आ गया आर स्क्वायर इज फिफ्टी एट परसेंट ठीक है खराब नहीं है इट्स ओके ओके आपका मॉडल क्या आया पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव जीरो नाइन प्लस पॉइंट नाइन वन नाइन जीरो इन टू निफ्टी के रिटर्न्स मतलब इमेजिन करो अगर निफ्टी एक परसेंट से बढ़ता है तो आपका एच डी एफ सी पॉइंट नाइन परसेंट से बढ़ेगा अगर निफ्टी एक परसेंट से गिरता है तो एच डी एफ सी ऑन एन एवरेज पॉइंट नाइन परसेंट से गिरेगा राइट सो दिस इज वट दिस स्लोप को यहां पर अगर आप देखोगे इसका टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू हाई आया राइट जीरो so है तो ये कोईफिशियंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है सिमिलरली यहां पर भी टी स्टैटिस्टिक यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आया ठीक है बट ठीक है मोटा मोटी अपने इंटरसेप्ट को लेके चल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वैसे भी ऑलमोस्ट जीरो ही है वो सो वी हैव इंटरसेप्टी है क्विफिशेंट कैसे निकाले थ्रू ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्थड ठीक है मुझे आज के क्लास में ओ एल एस यूज नहीं करना है मतलब मैं एक बार आपको निकाल के दिखाना चाहता हूं MLE MLE में हम लोग क्या बोलते हैं अपने को ये कोई इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं सच दैट द ज्वाइंट लाइवलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा इज मैक्सीड द ज्वाइंट लाइवलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा इज मैक्सीड तो मुझे सबसे पहले कुछ सीड वैल्यूज एज्यूम करना होगा बीटा जीरो बीटा वन का सर आप सीड वैल्यूज का क्या बात कर रहे हैं ये मैं ऑलरेडी रिग्रेशन के फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं बट फिर भी मैं स्लो करके बता रहा हूं कि अपने कुछ इनिशियल वैल्यूज हूँ जीरो आई टेक बीटा वन एज अगेन पॉइंट जीरो फाइव मैं कुछ इनिशियल वैल्यूज लेके चल रहा हूं दीज आर नॉट ऑप्टिमम वैल्यूज दीज आर जस्ट सीड वैल्यूज मैं इसके बेसिस पे अपना वाई हैट निकालूंगा मेरा वाई हैट क्या होगा इट विल बी बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू रिटर्न ऑन निफ्टी राइट सो आई विज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू रिटर्न ऑन निफ्टी विच इज माई एक्स राइट लेट मी ड्रैग इट डाउन ओके okay, आपके पास वाई हैट आ गया आपके पास एक्चुअल वाई है तो एक्चुअल वाई माइनस वाई हैट से आप क्या निकाल सकते हो एरर टर्म निकाल सकते हो तो इक्वल टू एक्चुअल वाई माइनस वाई हैट राइट नाउ एमएलई टेक्निक में हमें क्या करना होता है हमें ये क्विफिशंट को इस तरीके से फाइंड आउट करना है सच दैट द ज्वाइंट लाइवलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा इज मैक्सीज तो अपने को लाइवलीहुड निकालना होगा ये डेटा तो सच है ना तो हम लोग इस तरीके से पैरामीटर निकाले कि ये डेटा को हम लोग रेप्लीकेट कर पाए द ऑफ ऑब्जर्विंग दिस डेटा इज मैक्सिमाइज तो लाइवलीहुड निकालने के लिए अपने को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए अपने को पता है कि एरर टर्म्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरर टर्म्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू जीरो एंड अ कांस्टेंट वेरिएंस तो अपने को वेरिएंस निकालना होगा मैं एरर टर्म्स का वेरिएंस निकालता हूं यहां पर इक्वल टू वी ए आर डॉट एस वेरियंस ऑफ एर टर्म्स राइट और अभी मैं कॉन्स्टेंट वेरियंस एज्यूम कर रहा हूं कॉन्स्टेंट वेरियंस एज्यूम कर रहा हूं याच इज वो लाटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन वो तो चीजें इंटर रिलेटेड है वो आपको बता है तो मैं यहां पर वेरियंस लेकर चल रहा हूं एंड आई एम टेकिंग कॉन्स्टेंट वेरियंस सो आई एम जस्ट राइटिंग इक्वल टू दिस वेरियंस अब मुझे क्या करना है मुझे लाइकलीहुड निकालना है लाइकलीहुड निकालने के लिए आई कैन यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल टू नॉम डॉट डिस्ट इक्वल टू नॉर्म डॉट डिस्ट ठीक है मैं किसका डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं नॉर्मल एरर टर्म्स का सो माय एक्स इज एरर टर्म एरर टर्म का मीन इज जीरो का स्टैंडर्ड डिवेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस एंड वेरियंस कॉन्स्टेंट है इसलिए आपको हर एक रो में सेम दिख रही है बिकॉज मैं कैसा वेरियंस लेके चल रहा हूं कॉन्स्टेंट वेरियंस आई एम सींग एरर टर्म्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू जीरो मीन तो उसका जीरो ही होता है राइट एंड कॉन्स्टेंट वेरियंस कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर राइट मेरे पास लाइटलीवुड आ गया नाउ अपने को ज्वाइंट लाइटलीवुड को मैक्सिमाइज करना है वन सेकेंड मी चेक राइट तो अपने को ज्वाइंट लाइवलीहुड को मैक्सिमाइज करना है ज्वाइंट लाइवलीहुड जो हमारा होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज लाइटलीहुड बट इसका प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो उस केस में उसको मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे टू एडिशन प्रॉब्लम बाय टेकिंग लॉग ऑफ दीज लाइवलीहुड्स तो मैं क्या करूंगा लॉग ले लूंगा इसका राइट right? मैंने डिटेल में ये क्लास आपका करवाया हुआ है पैरामीटर एस्टीमेशन टेक्निक्स के ऊपर ओ एल एस एम बेजियन याद है सारा कुछ डिस्कस हमने किया था तो आई एम टेकिंग लॉग ऑफ लाइटलीहुड राइट नाउ मैं ज्वाइंट लाइटलीहुड को मैक्सिमाइज करूं या मैं सम ऑफ लॉग लाइटलीहुड को मैक्सिमाइज करूं बात एक ही है बिकॉज टेकिंग लॉगरिदम ज अटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक और चैप्टर में भी डिस्कस किया था अभी रिसेंटली याद है ना मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैंडल टाओ स्पियरमैन रो वहां पर तो मैं निकालूंगा समीहुड इक्वल टू समलीहुड राइट नाउ मुझे इस तरीके से ये पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है क्या किया मैंने वाई और एक्स के बीच में रिग्रेशन मॉडल फिट किया बीटा जीरो बीटा वन का सीड वैल्यू लिया तो मेरे पास वाई हेट आया फिर मैंने एरड टर्म निकाला राइट एरड टर्म का वेरियंस निकाला मैंने एंड मैंने ट वेरियंस मॉडल एज्यूम किया है एंड देन आई एम फाइंडिंग आउट द लाइकलीड लाइकलहुड निकालने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो अपने को बता है एर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं प्रॉबिलिटी रहा हूँ लाइकलूड मतलब प्रॉबिलिटी सो नॉम डॉट डेस्ट टर्म हो गया उसका मीन जीरो है एंड स्क् रूट ऑफ दिस वेरियंस इज योर एच डी बिकॉज आपके इनपुट में एच डी जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्यूमुलेटिवेज फॉल्स बिकॉज मुझे हर एक पॉइंट के सामने लाइकलूड चाहिए एंड देन आई कैन मल्टीप्लाई ऑल द लाइकलीड्स

तो मुझे सम ऑफ लॉग लाइकल्यूड को मैक्सिमाइज करना है बाय चेंजिंग दी सेल्स एंड मुझे फोर्सफुली इन कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव नहीं करना तो मैं इसको टिक नहीं कर रहा आई विल सॉल्व जैसे मैं सॉल्व solve करूंगा सॉल्वर अलग अलग सोल्यूशन ट्राई करेगा एंड कहां पे जाके स्टॉप करेगा जहां पे आपका सम ऑफ लॉग लाइकल्यूड क्या हो मैक्सिमाइज हो राइट सॉल्वर हमेशा इतना ईजिली आंसर नहीं देता वो सॉल्वर का प्रॉब्लम है मतलब आपके सीड वैल्यूज अगर सही नहीं है तो सॉल्वर में भी आपको आंसर ना दे आपको हैश नम दे दे बट लेट्स ट्राई देखते हैं यहाँ पे सॉल्वर क्या आंसर देता है लेट्स ट्राई इट आउट आपको दिख रहा है वो अलग अलग ट्रायल सोल्यूशन दे रहा है यहाँ पर एंड आपको objective cell का value क्या है, वो दे है। तो ऑब्जेक्टिव सेल का वैल्यू आपको दिख रहा है थ्री फाइव सिक्स थ्री थ्री सेवन सिक्स जीरो तो वो अलग अलग कोई ट्राई करेगा एंड कहां पे जाके स्टॉप करेगा जहां पे आपका सम ऑफ लॉग लाइकलूड क्या हो मैक्सिमम राइट तो लेट द सॉल्वर रन

मैंने ये कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल फिट कर लिया राइट right. इतना सबको समझ में आ गया होगा ये मॉडल सही कब कहलाएगा ये मॉडल सही तभी कहलाएगा अगर आपके एर टर्म्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड याद है रिग्रेशन में हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन में भी हमने ये चीज किया टाइम सीरीज में भी किया है कि आपके एर टर्म्स वाइट नॉइज होने चाहिए ये डिस्कशन हमने किया था ना कि आपके एर टर्म्स वाइट नॉइज होने चाहिए मतलब एर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट

if the error terms are white noise which is iid independent and identically distributed ye mere error terms hai ye sare error terms aapas mein kya hone chahiye independent hona chahiye matlab error terms should not have serial correlation error terms के बीच में serial correlation नहीं present होना चाहिए अगर error terms के बीच में serial correlation present है इसका मतलब कोई pattern बाकी है model में और अगर पैटर्न बाकी है तो आपका मॉडल सही कैसे हुआ आपका मॉडल तो इनकंप्लीट हुआ ना सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन आपका मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है आपको मॉडल को सही करना चाहिए एनी गेसेस अगर मेरे एरर टर्म्स में सीरियल कोरिलेशन है तो मैं मॉडल को कैसे ठीक कर सकता हूं एनी गेसेस आप सब लोग टाइम सीरीज पढ़ के आए हो तो आपको अभी तक आइडिया आ जाना चाहिए कि एरर टर्म्स में अगर सीरियल कोरिलेशन है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं एनी गैसेस हम लोग कैसे आ, वो सीरियल कोरिलेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर एनी गैसेस वी कैन ब्रिंग ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स वी कैन ब्रिंग ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स मतलब मैं रिटर्न ऑन एच डी एफ सी को रिग्रेस कर रहा हूं रिटर्न ऑन निफ्टी के साथ मैं रिटर्न ऑन एच डी एफ सी को रिग्रेस करूंगा रिटर्न ऑन मतलब एच डी एफ सी प्रीवियस डेटर्न एज वेल राइट मैं रिटर्न को रिग्रेस कर रहा हूं रिग्रेस एच डी एफ सीज रिटर्न टूडे विद डी एफ सी रिटर्न राइट और एच डी एफ सीज रिटर्न टू डेज बिफोर देन तो इसका मतलब यू कैन ब्रिंग ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स इन टू य राइट right? तो अगर आपके एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट नहीं है आपके एरर टर्म्स में सीरियल कोरिलेशन है दैट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन आपका मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है एक इलाज जो मुझे प्रैक्टिकली पता है आप कर सकते हो आप ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जहां पर आप रिटर्न एच डी को रिग्रेस करोगे विद्रीवियस रिटर्न प्रीवियस डेज रिटर्न राइट तो आपका मॉडल क्या बनेगा बी जीरो प्लस बी वन इंटू Previous days HDFC returns plus B2 into returns on Nifty, right? तो auto regressive terms को include करके काफी बार ये आपका serial correlation का problem resolve हो जाता है. Second is आपके error terms क्या होने चाहिए? Identically distributed. Error terms should be identically distributed. मतलब अलग-अलग x के सामने मुझे error terms का value दिख रहा है. अलग-अलग x के सामने मुझे error terms का value दिख रहा है. तो ये जो error terms का value है ना, ठीक है? एरर टर्म्स का जो मीन है एंड जो वेरियंस है एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स एरर टर्म्स का एक मीन है एरर टर्म्स का एक वेरियंस है वो जो मीन है और जो वेरियंस है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए राइट फॉर ईच एक्स एरर टर्म्स शुड हैव अ कांस्टेंट मीन एंड कॉन्स्टेंट वेरियंस इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आप पिक्टोरियली देखिए पिक्टोरियली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं हर एक एक्स के सामने एरर टर्म्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज हर एक एक्स के लिए वी कैन हैव डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई राइट हर एक एक्स के लिए वी कैन हैव डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई तो आपके एरर टर्म्स की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है तो एरर टर्म्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए राइट right? और वेरिएंस जो भी है इट शुड बी कांस्टेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स एक्स आप आगे जाओ या पीछे आओ

मीन uh, है और जो वेरिएंस है वो सेम होना चाहिए नाउ मीन तो मैं आपको बोल रहा हूं वो जीरो ही होता है तो आपको हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के सामने एरर टर्म्स का मीन जीरो दिखना चाहिए सेकेंडली आपको दिखना चाहिए कॉन्स्टेंट वेरियंस दिखना चाहिए राइट right? तो अगर मैं आगे आगे मूव करूंगा ये जो एरर टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है इट शुड हैव कांस्टेंट वेरिएंस, द वेरिएंस शुड नॉट चेंज राइट अगर वैसा है देन एर टर्म्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है कि एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट है एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दैट केस माई मॉडल इज परफेक्टली फाइन मेरे मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई कैन वर्क विद दिस मॉडल वेर इन आई एम रिग्रेसिंग रिटर्न विद सममेटिक फैक्टर विच इज निफ्टी के रिटर्न इन दिस केस एंड सम आइडियो सिंक्रेटिक फैक्टर्स बट अगर एर टर्म्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मतलब जो आपका वेरियंस है इट इज चेंजिंग विद एक्स देन इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम लोगों ने रिग्रेशन में डिस्कस किया था अगर आपका एर टर्म्स का वेरियंस चेंज होता है एक्स के साथ सिस्टमैटिकली तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं एनी गैसे अगर आपका एरियंस चेंज होता है with X, तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं कोई गैसेस अगर एर टर्म्स का वेरियंस चेंज होता है सिस्टमैटिकली विद एक्स देन वट इज दैट प्रॉब्लम कॉल्ड डास्टिसिटी राइट कंडीशनल हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम बोलते हैं ना उसको अगर आपका वेरियंस चेंज हो रहा है विद एक्स देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल हेट्रोस्केडास्टिसिटी कंडीशनल मतलब एक्स के साथ साथ हेट्रो मतलब चेंजिंग स्केडास्टिसिटी मतलब वेरिएंस तो एक्स के साथ साथ आपका वेरिएंस चेंज होता है मे बी आपका वेरिएंस बढ़ता है एक्स के बढ़ने से या मे बी आपका वेरिएंस गिरता है एक्स के बढ़ने से जो भी है देर इज अस्टमेटिक चेंज इन एर टर्म्स का वेरियंस अलॉन्ग विद एक्स देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल हेट्रोस्केडास्टिसिटी तो अगर आपके मॉडल में ठीक है एरर टर्म्स में या तो इंडिपेंडेंस नहीं है या एरर टर्म्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपका मॉडल सही नहीं है आप इस मॉडल के साथ आगे वर्क नहीं कर सकते आपको मॉडल को सही करना होगा राइट right. मैंने अभी जब मॉडल रन किया तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने कांस्टेंट वेरिएंस एज्यूम किया आई हैव कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएंस वेरिएंस बट अगर नहीं है देन इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज आप कांस्टेंट वेरिएंस एज्यूम करके मॉडल बिल्ड किए हो जबकि एक्चुअल में वेरियंस इज चेंजिंग विद एक्स देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल हेट्रोस्केडास्टिटी तो लेट मी शो यू सपोज मैं वेरिएंस निकालता हूं ठीक है अगर आपको डेटा से वेरिएंस निकालना है तो एक डेटा पॉइंट से आप वेरियंस नहीं निकाल सकते यू नीड मल्टीपल डेटा पॉइंट तो सपोज मैं लास्ट सात दिन के रिटर्न को लेके चल रहा हूं तो मैं लास्ट सात एर टर्म्स को लेके चल रहा हूं सेवन एरर टर्म्स एंड आई एम फाइंडिंग आउट द वेरियंस आई एम फाइंडिंग आउट द वेरियंस तो मैं वेरिएंस निकालता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन राइट इक्वल टू आई एम सेइंग वेरिएंस सैंपल ऑफ टर्म्स बिकॉज एक दिन के रिटर्न्स को देख के मैं वेरिएंस नहीं निकाल सकता आई नीड सम हिस्टोरिकल डेटा सो आई एम टेकिंग सेवन डेटा पॉइंट मैं सात दिन का डेटा लेके वेरियंस निकाल रहा हूं राइट right? मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूं कि मेरा वेरिएंस कांस्टेंट आता भी है या वो चेंजिंग आता है बिकॉज हम लोगों ने ये मॉडल बिल्ड किया है और ये मॉडल तभी सही है इफ द वेरियंस इज कॉन्स्टेंट विद वैल्यूज ऑफ एक्स लेट मी ड्रैग इट डाउन ओके ठीक है अब मैं इस वेरिएंस को प्लॉट करता हूं

यह आपका चार्ट आया ठीक है थोड़े छोटे पीरियड का चार्ट दिखाता हूं ताकि बेटर जूम कर सके हम लोग चार्ट को इंसर्ट थोड़ा सा पीरियड इंक्रीज कर देते हैं देख के बताओ मुझे क्या वेरिएंस आपको यहां पे कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट है एक्चुअल में राइट इज द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट और नॉट इट इज नॉट कांस्टेंट यू कैन क्लियरली सी दैट हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स कांस्टेंट है एंड हम लोगों ने रिग्रेशन मॉडल फिट कर दिया बट एक्चुअल में जब आप देख रहे हो तो आपका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट ठीक है वेरिएंस इनफैक्ट आपका चेंजिंग है वेरियंस ऊपर गया नीचे आया देन थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ वापिस गया, नीचे आया तो वेरियंस इज चेंजिंग यू कैन सी इन द बिगर प्लॉट इज फ्लक्टिंग तो हम लोग कॉन्स्टेंट वेरियंस एजम्पन के बेसिस पे जो मॉडल बनाए हैं इज दैट मॉडल करेक्ट द आंसर इज नो दैट मॉडल इज नॉट करेक्ट इसका मतलब हमारे मॉडल में किस चीज का प्रॉब्लम है हमारे मॉडल में कंडीशनल का प्रॉब्लम है अब इस प्रॉब्लम को अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको चेंजिंग वेरियंस को मॉडल करना होगा आपको चेंजिंग वेरियंस को मॉडल करना होगा राइट right? देखो आपका जो वेरियंस है ना उसको आप तीन तरीके से कंसिडर कर सकते हो यू कैन कंसिडर योर वेरियंस टू बी कॉन्स्टेंट राइट आप अपने वेरियंस को कॉन्स्टेंट मान सकते हो दैट इज टोटली नॉट करेक्ट जितने भी मॉडल्स वेरियंस को कॉन्स्टेंट मानते हैं वो गलत है जैसे कि ब्लैक शोल्स मॉडल ब्लैक शोल्स मॉडल का हमने ड्रॉबैक किया था कि वो एज्यूम करता है कि वेरियंस इज कॉन्स्टेंट इज दैट करेक्ट द आंसर इज नो राइट या आप वेरियंस को डिटर्मिनिस्टिक मान सकते हो मतलब वेरियंस चेंज हो रही है विद टाइम विद टाइम बोल लो या विद एक्स बोल लो बिकॉज यहां पर जो मेरे पास रिटर्न है वो तो अक्रॉस टाइम्स के लिए है ना राइट right? तो वेरियंस जो है इट कैन बी एज्यूम टू बी डिटर्मिनिस्टिक चेंज हो रही है कांस्टेंट नहीं है बट डिटर्मिनेस्टिक है किस तरीके से चेंज होगा उसका एक डिफाइंड right? मान लो मतलब रिटर्न को ब्राउन एंड मोशन के थ्रू रैंडमली सिमुलेट कर रहे थे उसी तरह से आप बोल रहे हो वेरिएंस के लिए एक ब्राउनियन मोशन प्रोसेस लिया हो वहां हमने रिटर्न्स के लिए एक ब्राउनियन मोशन प्रोसेस लिया था

को स्टडी करते हैं ठीक है साबर मॉडल होता है आपका स्ट्रोकैटिक एल्फा रो एक हैस्टन मॉडल होता है ये हमारे काम का नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या होगा आपका वेरियंस का एक ब्राउनियन मोशन प्रोसेस होगा जैसे हमने रिटर्न्स का ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन किया था यहां पे वेरियंस के लिए एक ब्राउनियन मोशन प्रोसेस होगा राइट दूसरा है आपका डिटर्मिनिस्टिक वेरियंस कैन बी एज्यूम टू बी डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा डिटरमिनेस्टिक मतलब चेंज हो रहा है बट आपको पता है किस फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आई कैन टू बी डिटर्मिनिस्टिक बट नॉट थ्रू सम ब्राउनियन मोशन प्रोसेस बट थ्रू सम समिनेस्टिक प्रोसेस तो वहां पे हमारे दो मॉडल्स आते हैं आर्च एंड गार्च ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसकेडास्टिस एंड जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्डास्टिसिटी तो आज की क्लास में हम लोग अपने मॉडल को इंप्रूव करेंगे बाय मॉडलिंग दिस डिटरिस्टिक वेरियंस थ्रू आर्च एंड गार्च राइट बट ये बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत जरूरी है एफ आर एम पार्ट वन में प्रॉब्लम क्या जैसे कि बाकी सब चैप्टर्स के साथ है आपका चैप्टर दिया हुआ है एस्टिमेटिंग वोलाटिलिटी नाउ टिंग वोलाटिलिटी में सीधा दे दिया कि गार्च मॉडल से इस तरीके से वेरियंस निकलता है नो डाउट सबको वो मॉडल समझ भी आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे बट आपको एग्जैक्टली exactly, ये तो समझ ही नहीं आया कि उसको यूज कैसे करना है यहां मैं आपको बता रहा हूं कि यूज कैसे करना है आपको अपने मॉडल को रिफाइन करने के लिए उसको यूज करना है बिकॉज हमारा जो भी रिग्रेशन मॉडल है या जो टाइम सीरीज मॉडल है वो एज्यूम करता है कि हमारा जो वेरियंस है टर्म का दैट इज कॉन्स्टेंट बट एक्चुअली दैट इज नॉट करेक्ट तो आपका वेरियंस अगर चेंजिंग है तो आपको अपने मॉडल को करेक्ट करना होगा उसी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं दिस एंड एंड इज ऑटो ऑटो रिग्रेसिव रिग्रेसिव कंडीशनल कंडीशनल तो कॉन्स्टेंट वेरियंस हम लोगों ने अभी एज्यूम किया था बट वो करेक्ट नहीं है स्टोकैस्टिक वेरियंस ब्राउन इन मोशन अपने को नहीं करना ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है डिटर्मिनिस्टिक वेरियंस वेरियंस चेंजिंग है बट दर इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन टू

आगे चलते हैं सबसे पहले आर्च मॉडल पे नाउ आर्च मॉडल में हमें क्या करना है हमें चेंजिंग वेरिएंस को मॉडल करना होगा तो आप एज्यूम करो ए टी इक्वल टू सिग्मा टी जी टी राइट जी इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मैं आपको बता रहा हूं ऐसा आपको एज्यूम करना है कि सपोज आपका एरर टर्म्स इज इक्वल टू सिग्मा टी सिग्मा टी क्या है आपका सिग्मा सब्सक्रिप्ट में टी का मतलब क्या है हम लोग बोल रहे हैं िटी इज चेंजिंग विद टाइम राइट चेंजिंग वो हम लोग लेके चल रहे हैं बट स्टोटिक नहीं डिटर्मिनेस्टिक सिग्मा टी जी टी जी टी क्या है आपका रैंडम वेरिएबल ऑब्वियसली एर टर्म्स तो आपके रैंडम ही है राइट एर टर्म्स आर रैंडम व्हाइट नॉइज हम लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि एर टर्म्स में अगर पैटर्न है तब तो आपका मॉडल सही नहीं है ना अगर आपका मॉडल सही है तो एर टर्म्स शुड बी टोटली रैंडम तो रैंडमनेस कहां से आ रही है थ्रू दिस जी टी

एक्सपेक्टेशन का वेरिएंस का को वेरियंस का वो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आना चाहिए वो अक्रॉस द करिकुलम आपको बहुत जगह हेल्प करेगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा टी जी टी ना सिग्मा टी आपका यहाँ पे डिटर्मिनेस्टिक है इट इज नॉट स्टोकैस्टिक तो आई कैन टेक इट आउटसाइड राइट सिंस वो डिटर्मिनेस्टिक है वो स्टोकैस्टिक नहीं है इट्स नॉट अ रैंडम वेरिएबल राइट तो यू कैन कंसिडर इट टू बी आउटसाइड ऑफ एक्सपेक्टेशन जैसे हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर लेते हैं हां कॉन्स्टेंट नहीं है डिटर्मिनेस्टिक फंक्शन है उसको भी हम लोग बाहर ले सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट स्टोकैस्ट इट इज नॉट रैंडम राइट तो सिग्मा टी एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज द मीन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल वट इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वट इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेलमी गाइस वट इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन

एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क् राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क् माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क् सर याद नहीं आ रहा मैंने आपको क्वांस में जब प्रॉपर्टी करवाया था तो यह प्रॉपर्टी लिखवाया था एंड बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना अपने करिक्यूलम के लिए तो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क् माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर राइट वट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन जीरो जीरो का होल स्क्र इज जीरो यहां पर जीरो आ गया what is expectation of sigma what is expectation of sigma square t z t square q because e t square Chimera sigma square t and z t square so expectation of sigma square t z square t right again this is deterministic so i will take sigma square t outside and expectation of z square t expectation of z square t

what is the variance of standard normal random variable mean of standard normal random variable is zero what is the variance of standard normal random variable reply karo please it is one right it is one what is mean of standard normal random variable zero so this is zero ka square this is one this is one right so can i say expectation of z square equal to one can i say एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्र इक्वल टू वन बोल सकता हूं कि नहीं तो यहां पर मैंने वो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी स्क्वेर लिया इक्वल टू वन सो सिर टी इन टू सिर टी सिक्ट इंटू वन इक्वल टू सिमा स्क्टी मैं यहाँ पे ज्यादा डिग नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में हम लोग इस चीज को कर चुके हैं राइट बट आई होप थोड़ा सा स्लो डाउन करके लिख के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा आपका एरअर्म क्या है सिग्मा टी जी टी यू हैव टू टेक द एक्सपेक्टेशन ऑफ एर टर्म

राइट तो वेरिएंस ऑफ ईटी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टी वेरिएंस ऑफ ईटी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टी राइट नाउ अगर आप एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यूज करते हो फॉर मॉडलिंग द चेंजिंग वेरिएंस इफ यू यूज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कैन आई से कैन आई से ध्यान से देख के बताना क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटी स्क्वायर इक्वल टू सम अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 ईटी e माइनस 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 टू स्क्वायर प्लस एल्फा थ्री इटी माइनस थ्री स्क्र मैं एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यूज कर रहा हूं टू मॉडल दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ इटी स्क्वायर लेफ्ट साइड में तो आपका एस्टिमेट ही होता है ना हमेशा एस्टिट ऑफ वाई मैं यहाँ पे वाई क्या लेके चल रहा हूँ स्क्वायर e क्या लेके चल रहा हूँ स्क्वायर सो एक्सपेक्टेशन ऑफ इटी स्क्वायर एंड मैं ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स लेके चल रहा हूं मतलब खुद का रिग्रेशन प्रीवियस टर्म्स के साथ तो एटी स्क्वायर का रिग्रेशन में कर रहा हूं एटी माइनस वन स्क्वायर के साथ एटी माइनस टू स्क्वायर के साथ एटी माइनस थ्री स्क्वायर के साथ ठीक है तो मेरा मॉडल क्या आया ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोसिटी मॉडल क्या बोलता है कि आप एटी स्क्वायर को मॉडल करो थ्रू ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स खुद के साथ रिग्रेस करके सो एल्फा जीरो प्लस एल्फा वन एटी माइनस वन स्क्वायर प्लस एल्फा टू एटी माइनस टू स्क्वायर प्लस एल्फा थ्री एटी माइनस थ्री स्क्वायर राइट नाउ नाउ सर आपने पे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यूज किया ऑफ ऑर्डर क्योंकि आपने ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स यूज किया दिस इज लैग वन लैग टू लैग थ्री तो अगर आप लैग थ्री तक जा रहे हो तो मैंने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल यूज किया है ऑफ ऑर्डर थ्री सर आपने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ ऑर्डर थ्री को यूज किया हम लोग ऑटो रिग्रेशन में ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं बताना जरा ऑटो रिग्रेशन मॉडल में ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं ऑटो रिग्रेशन मॉडल का ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग लाइव क्लास में रिप्लाई नहीं कर रहे हो प्लीज रिप्लाई करो ना ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं थ्रू पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन थ्रू पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन तो यहां मैंने क्या किया है दिखा दे रहा हूं मेरे पास एरड टर्म्स आ गया था एर टर्म्स आ गया था मैं उसके ऊपर पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूं मेरा एरर टर्म का स्क्वायर है रिग्रेशन एफ थ्री का स्क्वायर रिग्रेशन एफ थ्री का स्क्वायर एटी का स्क्वायर लेके चल रहा हूं मैं एटी का स्क्वायर राइट बिकॉज यहां पे क्या है मेरा एस्टिमेट ऑफ ए स्क्वायर तो ईटी का स्क्वायर लेके चल रहा हूं एंड अलग अलग लैग्स पे उसका कोरिलेशन निकाल रहा हूं पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आप पीएसीएफ का प्लॉट देख सकते हो आपको पीएसीएफ के प्लॉट में क्या दिख रहा है कि कोरिलेशन कहां तक सिग्निफिकेंट है आपका कोरलेशन सिग्निफिकेंट है लैग थ्री तक राइट एंड लैग फोर से आपका कोरलेशन क्या हो गया कट ऑफ हो गया राइट दिस इज कॉल्ड कट ऑफ तो लैग फोर पे अगर आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कट ऑफ शो करता है तो आपको कितने लैग तक मॉडल को बिल्ड करना चाहिए लैग थ्री तक तो इसीलिए मैंने ऑर्डर थ्री लिया है इसीलिए मैंने ऑर्डर थ्री लिया है तो टाइम सीरीज का जो आपका नॉलेज है वो सेम एज इट इज यहां पे यूज हो रहा है

राइट right? इसीलिए मैंने थ्री लैक्स तक लिया है नाउ आपको एल्फा जीरो निकालना है एल्फा वन निकालना है एल्फा टू निकालना है एल्फा थ्री निकालना है दिस कैन बी फाउंड आउट यूजिंग मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेट तो लेट्स गो टू द एक्सल शीट इसको अपने बिल्ड करेंगे मॉडल को इसको मैं डिलीट कर रहा हूं राइट right? तो सबसे पहले बी जीरो एंड बी वन का कुछ सीड वैल्यूज एज्यूम कर लेता हूं पॉइंट जीरो फाइव एंड यहां पर भी पॉइंट जीरो फाइव राइट मैं एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बिल्ड करूंगा रिजल्ट कैसा दिखेगा यहां पर आपको रिजल्ट दिख रहा होगा राइट ओके सो आई विल से वाई वाई इज एच डी एफ सी के रिटर्न एक्स एस निफ्टी के रिटर्न्स मैं बी जीरो एंड बी वन की कुछ सीड वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं क्यों बिकॉज मुझे ये जो पैरामीटर्स निकालने हैं वो भी कैसे निकालने यूजिंग मैक्सिमम लाइवलीहुड एस्टिमेट सो आई विल फाइंड आउट वाई हैट वाई हैट इक्वल टू बी जीरो प्लस बी वन इंटू माई एक्स तो मेरा वाई हैट आ गया राइट बी जीरो प्लस बी वन इंटू एक्स ये मेरा वाई हैट है ये मेरा एक्चुअल वाई है आई कैन फाइंड आउट द एरर टर्म्स इक्वल टू एक्चुअल हैट उससे मेरा क्या आएगा एरर टर्म्स आएगा राइट right? नाउ पिछले केस में हमने क्या किया था वी एज्यूम्ड कॉन्स्टेंट वेरियंस ऑफ एरर टर्म्स क्या वो कॉन्स्टेंट वेरियंस एजमशन करेक्ट था आंसर इज नो अब हमें वेरियंस को मॉडल करना है बाई यूजिंग दिस ऑटो एग्रेसिव कंडीशनलिटी मॉडल आपको देखो दिख रहे हैं यहां पर वेरियंस ऑफ एर टर्म इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इटी स्क्वेर बिकॉज ये तो जीरो ही है राइट सो कैन से वेरियंस ऑफ एर टर्म इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इटी स्क्वेयर इक्वल टू सिमा स्क्टी बोली सकता हूं ना वेरियंस ऑफ एर टर्म इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इटी स्क्वेयर इक्वल टू सिमा स्क्टी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इटी स्क्र मेरा क्या है वो मेरा ये क्वेश्चन है तो अब मुझे पॉइंट जीरो फाइव ही लेके चलता हूं इसका सीड वैल्यूज भी मुझे

एन टू मेरा ए टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस अल्फा टू एन टू ए टी माइनस टू का स्क्वायर प्लस अल्फा थ्री एन टू एटी माइनस थ्री का स्क्वायर राइट right? यही करना होगा आपको अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन एटी माइनस वन अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री एटी माइनस थ्री राइट तो यहां पर मैंने जो मॉडल बनाया हुआ है उसमें भी सेम चीज किया हुआ है और अभी मैंने आपको करके भी दिखा दिया एक बार और लिख के दिखा दे रहा हूं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वल टू अल्फा जीरो प्लस एल्फा वन इंटू एटी माइनस वन स्क्वेर प्लस एल्फा टू इंटू एटी माइनस टू स्क्वेर प्लस एल्फा थ्री फ्री जेट इंटू एटी माइनस थ्री स्क्वेर राइट right? ऑब्वियसली अभी ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज नहीं है तो ये वेरिएंस भी करेक्ट नहीं है पहले के जो तीन वेरियंसिज हैं उसको भी आप पैरामीटर्स मान सकते हो या उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो चलेगा अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स इन सच अ वे सच दैट द लॉग लाइकलीहुड सम ऑफ लॉग लाइकलीहुड इज मैक्सिमाइज राइट यू हैव टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स इन सच अ वे सच दैट द ज्वाइंट लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द डेटा इज मैक्सिमाइज और यू कैन से दाम ऑफ लॉग लाइको करते हैं सो आई विल सेवल टू नॉम डॉट डेस्ट ठीक है मैं डिस्ट्रीब्यूशन किसका लेके चल रहा हूं एर टर्म्स का सो एर टर्म्स कॉमा एर टर्म्स का मीन क्या है जीरो कॉमा टर्म्स का स्टैंडर्ड क्या है स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस वेरिएंस नाउ जब आप स्क्वायर रूट ऑफ दिस कर रहे हो तो आप चेंजिंग वेरिएंस लेके चल रहे हो कैन यू सी यू आर टेकिंग चेंजिंग वेरियंस नॉट कॉन्स्टेंट वेरियंस पिछले केस में मेरे हर एक रो में सेम वेरियंस था तो यही डिफरेंस है बिटवीन द ऑरिजिनल मॉडल जो कि गलत था बिकॉज वहां पर हम कांस्टेंट वेरिएंस ले रहे थे एंड आर्च मॉडल जहां पर हम लोग चेंजिंग वेरियंस लेके चल रहे हैं सो ब्रैकेट क्लोज कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज इससे आपके पास लाइकली सो नॉम डॉट डेस्ट आई एम टेकिंग द लाइकलीफ एर टर्म ठीक है एरड टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल मैं लेके चल रहा हूं एर टर्म्स का मीन इज जीरोक्वायर रूट ऑफ दिस नंबर एंड

यहां पर ब्रैकेट क्लोज एंटर अब मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड इक्वल टू सम ऑफ लॉग समल्यूड ठीक है नाउ आई विल गो टू सॉल्वर आई विल चेंज दीज पैरामीटर्स इन सच अ वे सच दैट द सम ऑफ लॉग लाइक्लीहुड इज मैक्सिमाइज्ड। एक कंस्ट्रेंट आपको डालना होगा क्या कंस्ट्रेंट ये जो आपका ए वन है एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री इसका तीनों का सम शुड बी लेस देन वन क्यों ये कंस्ट्रेंट डालना है अभी आपको समझाऊंगा जब गार्ज पढ़ाऊंगा बट राइट नाउ यू हैव टू पुट दिस कंस्ट्रेंट कि अल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस एल्फा थ्री इसका सम क्या होना चाहिए इट शुड बी लेस देन वन सो दिस थ्री अभी तो ऑब्वियसली कितना पॉइंट वन फाइव बट जहां पर भी आपके इफिशियंट ऑप्टिमाइज़ हो वहां पे आपके सम ऑफ एल्फाज एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री क्या होना चाहिए लेस देन वन होना चाहिए सो आई विल गो टू डेटा डेटा में जाके आई विल गो टू सॉल्वर सॉल्वर ठीक है मुझे क्या करना है मुझे सम ऑफ लॉग लाइकलीवुड को मैक्सिमाइज करना है बाई चेंजिंग क्या बाय चेंजिंग ऑल दिसंट यहां मैंने दो कंस्ट्रेंट डाले हैं क्या एक तो मैंने बोला है बीटा वन एल्फा जीरो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री ये सब पॉजिटिव होने चाहिए एंड दूसरा जो समल्फाज है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू वन सम्फाज लेस देन इक्वल टू वन क्यों होना चाहिए वो डिस्कस कर लेंगे और मैंने पॉजिटिव को क्यों डाला है वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे ये एल्फा तो ठीक है बीटा मुझे पता है वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज एच डी एफ सी रिटर्न इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू निफ्टी के रिटर्न राइट right? तो मैंने डाल दिया जस्ट ताकि कंस्टेंट अगर मिल जाता है तो सॉल्वर जल्दी सॉल्व करता है बट अदरवाइज आप नहीं भी डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन वहीं पर ऑप्टिम आएगा जहां पर पॉजिटिव वैल्यूज है यू डोंट हैव टू वरी बट मैंने डाल दिया शायद इससे सॉल्यूशन जल्दी आ जाए अभी भी सॉल्वर के साथ प्रॉब्लम है सिंस नंबर ऑफ बहुत ज्यादा है तो सॉल्वर में गिव यू हैश ना मेरर एक बारी ट्राई कर रहे हैं लेट्स सॉल्व, सॉल्यूशन ट्राई करते हैं एक बारी ट विल टेक सम टाइम ऑब्जेक्टिव सेल आपका सॉरी वन एट फोर जीरो टू जीरो टू 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 जीरो एट जीरो टू टू वन वन ऐसे करके आपका सॉल्वर क्या कर रहा है अलग अलग कोई फिशंट्स को ट्राई कर रहा है एंड वहां पे जाके स्टॉप करेगा जहां पे आपका सम ऑफ लॉग लाइक्लूड क्या हो

ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे आ पाते हैं कि नहीं इन द मीन टाइम रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या बोला हमने बोला कि हमारे पास निफ्टी के रिटर्न्स हैं हमारे पास एच डी एफ सी के रिटर्न है आई वॉन्ट टू रिग्रेस एच डी एफ सी के रिटर्न विद निफ्टी के रिटर्न बिकॉज मुझे एक सी एपीएम मॉडल फिट करना है सीएपीएम मॉडल क्या बोलता है कि यू कैन एक्सप्लेन स्टॉक के रिटर्न विद सम सिस्टमैटिक फैक्टर एंड सम आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर सिस्टमैटिक फैक्टर आपका निफ्टी के रिटर्न हो गया फैक्टर आपका एरर टर्म्स हो ओएलएस right? वो वो अंदर अंदर, में या एमएलई में आप क्या एज्यूम कर रहे हो मैंने आपको दिखाया कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वेरियंस क्या है कॉन्स्टेंट है राइट right? अगर आपका मॉडल सही है तो आपके एरर टर्म्स क्या होने चाहिए वाइट नॉइज होने चाहिए एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपके एर टर्म्स इंडिपेंडेंट नहीं है एर टर्म्स के बीच में सीरल कोरिलेशन है प्रॉब्लम ऑफ मॉडलिफिकेशन आपको मॉडल को रिफाइन करना चाहिए बाइ इंक्लूडिंग ऑटोर टर्म्स आपको ऑटोर टर्म्स को मॉडल में इंक्लूड करना चाहिए मॉडल को ठीक करने के लिए एंड सेकेंडली एर टर्म्स शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एरर टर्म्स का जो मीन एंड वेरियंस है इट शुड बी कॉन्स्टेंट राइट इट शुड नॉट बी चेंजिंग तो अगर कॉन्स्टेंट मीन एंड वेरियंस है तब आपका एरर टर्म्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा बट हम लोगों ने रियल डेटा पे वेरिएंस को प्लॉट करके देखा तो हमें दिखा कि वेरिएंस चेंजिंग आता है इसका मतलब आपके मॉडल में किस चीज का प्रॉब्लम है कंडीशनल हेट्रोसकेडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है राइट right? अगर कंडीशनल हेट्रोसकेडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है तो आपका मॉडल सही नहीं है आपको मॉडल को करेक्ट करना होगा

Solver has converged, okay. ठीक है अभी भी परफेक्ट आंसर नहीं आया कैसे पता लगेगा आप एक बारी और सॉल्वर करके देखो अगर आपका आंसर और ऑप्टिमाइज होता है इसका मतलब द आंसर इज नॉट येट करेक्ट अगर आपका आंसर वहीं पे आके स्टॉप होता है सेम पे इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट था तो मैं एक बारी और सॉल्वर ट्राई कर रहा हूं जहां पर भी नंबर ऑफ क्विफिशंट बहुत ज्यादा होते हैं ना वहां आपको मल्टीपल टाइम सोल्वर को ट्राई करना पड़ता है बिकॉज सॉल्वर आपको लोकल सोल्यूशन देता है तो उसने एक लेवल तक लोकल सोल्यूशन दे दिया वहां से अगर आपको और ऑप्टिम जाना है तो आपको वापिस से सोल्वर यूज करना पड़ेगा राइट लेट इट रन सो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग डिटर्मिनिस्टिक वेरियंस लेके चलेंगे थ्रू आर्च एंड गार्च फिर मैंने क्या बोला आपके एर टर्म्स रैंडम है टू कंसिडर एर बी सिग्मा टी जी टी सिग्मा टी तो आपको बताइए बिकॉज एर टर्म्स जो है वो चेंजिंग है एरर टर्म्स का वेरियंस जो है वो चेंजिंग है विद टाइम टाइम इट्स अ फंक्शन के साथ आपका सिग्मा चेंज हो रहा है एंड सेकेंड इज जी जी हमारा क्या है रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल तो आपको लेके आना होगा रैंडमनेस आपको मॉडल में लाना होगा बिकॉज आपके एरर टर्म्स क्या होते हैं रैंडम होते हैं हमने एक्सपेक्टेशन निकाला एरर टर्म का इट इज इक्वल टू जीरो हमने वेरियंस निकाला एरर टर्म का इट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टी राइट right? नाउ हमें पता लगा कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टी राइट right? तो हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एटी स्क्वायर को मॉडल करेंगे एंड नाम से पता लग रहा है आपको आपको कोई ऑटो रिग्रेशन मॉडल यूज करना है मतलब जहां पर आप खुद को खुद के साथ रिग्रेस करते हो सो आई वुड से एक्सपेक्टेशन ऑफ एटी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन एटी माइनस वन स्क्वायर प्लस एल्फा टू एटी माइनस टू स्क्वायर प्लस एल्फा थ्री एटी माइनस थ्री स्क्वायर ठीक है मैंने थ्री टर्म्स क्यों लिए बिकॉज हम लोगों को

लेट्स चेक नाउ अब आप देख सकते हो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो गया है बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाला हुआ है मेरा अल्फा जीरो right? और आपके सम ऑफ एल्फाज कितने आर्च मॉडल so अंदर ही अंदर आपने बीटा जीरो बीटा वन को भी रीएस्टिमेट किया कैन यू सी आपने पुराने वाले बीटा जीरो बीटा वन नहीं यूज के बिकॉज वो तो गलत है ना वो तो किस प्रिमाइसिस पे निकले हैं कि आपका वेरियंस क्या है कॉन्स्टेंट यहां पर हमने अप्रिशिएट किया कि चेंजिंग है एंड उसको देखते हुए हमने मॉडल बिल्ड किया तो हमारे बीटास भी क्या हो रहे हैं हो रहे हैं सो बीटा इज दिस बीटा इज इज दिस दिस एंटायर कंसेप्ट क्लियर यहां तक क्लियर हुआ सबको आर्च मॉडल ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल राइट कंडीशनल हेट्रोसकेडास्टिस आपको समझ में आता है कि एक्स के साथ साथ आपका वेरियंस चेंजिंग है इसीलिए कंडीशनल हेट्रो मतलब changing, ठीक है And changing variance है conditional on X, जैसे जैसे X है variance है जैसे-जैसे हो हो रहा रहा आपका उसको हम मॉडल कर रहे हैं थ्रू सम ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स ऑटो रिग्रेशन मतलब खुद का खुद के साथ रिग्रेशन उसके थ्रू हम लोग वेरियंस को मॉडल कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग कंडीशनल चेंजिंग वेरियंस को मॉडल कर रहे हैं राइट right? ज वट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोरग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्केडस्टिस नेक्स्ट आपका गार्च नेक्स्ट आपका गार्च नाव नाम से पता लग रहा है गार्च में एक्स्ट्रा क्या जुड़ा सिर्फ जी सो so, गार्च इज अ मोर जेनरलाइज वर्जन ऑफ आर्च इट्स अ मोर जेनरलाइज्ड वर्जन ऑफ आर्च राइट गार्च मॉडल क्या बोलता है कि वेरिएंस की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको वेरिएंस का मॉडल बिल्ड करना चाहिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएंस इज परसिस्टेंट वेरिएंस इज परसिस्टेंट मतलब वेरिएंस टेंड्स टू परसिस्ट अराउंड द करेंट लेवल वेरिएंस टेंड्स टू परसिस्ट अराउंड द करंट लेवल तो पहला प्रॉपर्टी क्या है वेरियंस इज परसिस्टेंट

राइट नाउ यू माइड बी थिंकिंग कि कि ये है है तो हम बोलना चाह रहे हैं में में कुछ है, में कुछ पोर्शन पोर्शन परसिस्टेंट डोमिनेट करता होगा परसिस्टेंस या इनोवेशन कौन सा पोर्शन डोमिनेट करता होगा परसिस्टेंस या इनोवेशन ऑब्वियसली परसिस्टेंस राइट परसिस्टेंस आपका डोमिनेट करता है तो वेरियंस इज परसिस्टेंट वेरियंस करंट लेवल तो, right? तो हम लोग बोल रहे हैं हमें चेंजिंग वेरियंस को मॉडल करना है तो वेरिएंस इज इनोवेटिव सो एस पर गार्च मॉडल एस पर गार्च मॉडल हमारा मॉडल क्या बनेगा सिग्मा स्क्वे टी इज इक्वल टू ओमेगा हमने यहाँ पे अल्फा जीरो यूज क्या था यहां वर्ड यूज कर रहा हूं ओमेगा ओमेगा प्लस अल्फा एटी माइनस वन स्क्वायर प्लस बीटा सिग्मा स्क्वायर टी माइनस वन तो आप देख रहे हो यहां पर मैंने दो टर्म्स लिया है वन सिग्मा स्क्वायर टी माइनस वन एंड वन इज एटी माइनस वन स्क्वायर राइट ये आपका क्या है परसिस्टेंस जहां आपका वेरियंस खड़ा था उसी के आसपास आपका नेक्स्ट वेरियंस आएगा बिकॉज वेरियंस टेंस टू बी Right? And आपका वेरियंस चेंज भी होगा राइट न्यू इन्फॉर्मेशन आया उससे आपका वेरियंस चेंज भी होगा तो एटी माइनस वन स्क्वायर से आपका वेरियंस चेंज भी हो रहा है राइट right? तो वेरियंस टेंस टू बी परसिस्टेंट

यहां पर इसके लिए भी एक्सेल शीट बनाया है तो लेट्स गो टू गार्ज मेरे पास y है विच इज एच डी एफ सी रिटर्न जल्दी से डाल देते हैं एच डी एफ सी रिटर्न आई हैव एक्स विच इज निफ्टी के रिटर्न मैं बी जीरो और बी वन का अगेन कुछ सीड वैल्यूज एज्यूम करूंगा से पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो फाइव उसके बेसिस पे आप वाई हैट निकाल सकते हो तो वाई हैट क्या होगा इक्वल टू तो बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स आपका एरर टर्म आएगा एरर टर्म इक्वल टू तो वाई माइनस वाई हैट तो आपका एरर टर्म्स आ गया नाउ ठीक है तो वेरियंस लिखते हैं नाउ वेरियंस ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको प्रीवियस uh, वेरियंस चाहिए एंड प्रीवियस टर्म का स्क्वायर चाहिए तो अपने को एक वेरियंस मन से एज्यूम करके चलना होगा तो लेट्स टेक द फर्स्ट वेरियंस एज सपोज पॉइंट जीरो जीरो वन का स्क्वायर पॉइंट जीरो जीरो वन का स्क्वायर मैं लेके चल रहा हूं दिस इज माई फर्स्ट वेरियंस फ्रॉम सेकेंड सेल ऑनवर्ड्स माई वेरियंस विल बी इक्वल टू ओमेगा ओमेगा प्लस एल्फा प्लस एल्फा इंटू प्रीवियस एर टर्म का स्क्वेयर जो मेरा इनोवेशंस है प्लस लैमडा इंटू प्रीवियस वेरियंस तो प्रीवियस वेरियंस इज दिस एंटर तो आप देख रहे हो क्या इक्वेशन यूज किया मैंने ओमेगा प्लस एल्फा इंटू प्रीवियस टर्म का स्क्वायर प्लस लैमडा इंटू प्रीवियस वेरियंस राइट लैमडा इंटू प्रीवियस वेरियंस यही इक्वेशन हमने यहां पे लिखा है ओके नाउ आई कैन ड्रैग इट डाउन जब मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो नेक्स्ट क्या आ रहा है अगेन ओमेगा प्लस एल्फा इंटू प्रीवियस टर्म का स्क्वायर प्लस लैमडा इंटू प्रीवियस वेरियंस एंड सो ऑन तो ऐसे करके मेरे पास वेरियंस आ जाएगा यूजिंग गार्च इक्वेशन वेरियंस यूजिंग गार्च इक्वेशन नाउ अपने को लाइकलीहुड निकालना है तो लाइकलीहुड कैसे निकाल सकते हैं इक्वल टू नॉम डॉट डिस्ट मैं एरर टर्म्स के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहा हूं सो एक्स इज एरर टर्म मीन इज जीरो एंड एच डी इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरियंस स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरियंस कॉमा क्यूमुलेटिव में मैं लूंगा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर राइट तो मेरे पास लाइकलीहुड आ गया अपने को ये पैरामीटर इस तरीके से फाइंड आउट करना है सच दैट द ज्वाइंट लाइवलीहुड इज मैक्सीज ज्वाइंट ऑब्जर्विंग द डेटा इज मैक्सिमाइज ठीक है सिंस ज्वाइंट लाइवलीहुड को मैक्सिमाइज करना डिफिकल्ट होगा तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम को एडिशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑफ दिस सो आई विल टेक लॉग ऑफ दिस log of this ठीक है एंड देन आई कैन मैक्सिमाइज द सम ऑफ लॉग लाइकलूड्स आई कैन मैक्सिमाइज द सम ऑफ लॉग लाइकल्यूड्स तो मैं डेटा में जाऊंगा डेटा में जाके आई विल गो टू सॉल्वर डेटा में जाके आई विल गो टू सॉल्वर राइट सॉल्वर में मुझे क्या करना है मुझे सम ऑफ लॉग लाइक्ल्यूड्स को मैक्सिमाइज करना है बाय चेंजिंग ऑल द वेरिएबल्स बाय चेंजिंग ऑल द वेरिएबल्स एंड अगेन यहां पर मैंने कंस्ट्रेंट डाला है जैसे पिछले बार मैंने कंस्ट्रेंट डाला था कि एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस एल्फा थ्री उसका जो सम है दैट शुड बी लेस देन वन तो यहां पर मैंने कंस्ट्रेंट डाला है कि जो आपका सम ऑफ एल्फा प्लस लैमडा है राइट जो यहां पे मैंने बीटा लिखा है इट शुड बी लेस देन वन राइट एंड एक दूसरा कंस्ट्रेंट डाला है कि मेरा जो ओमेगा है एल्फा है लैमडा है वो पॉजिटिव आना चाहिए एंड बीटा वन तो हमें पता है पॉजिटिव आएगा तो आप ये कंडीशन डालो या ना डालो फर्क नहीं पड़ता बट डाल दिया तो उससे सॉल्वर जल्दी आपको आंसर देगा राइट right? यहां पर मैं सम ऑफ सम्फा प्लस लामडा निकाल लेता हूं इक्वल टू सम ऑफ दिस नाउ मुझे ये सारे पैरामीटर्स को सॉल्व करना है तो यू कैन गो टू डेटा यू कैन सॉल्व यूजिंग सॉल्वर ठीक है तो सॉल्वर में आई होप आपको समझ में आ गया कि अपने को लॉग लाइटलीड को मैक्सिमाइज करना है बाय चेंजिंग ऑल दिस एंड कंस्ट्रेंट क्या क्या डाला है कि मेरे जो क्विफिशंट है एक्सेप्ट बीटा जीरो वो पॉजिटिव है एंड मेरा जो सम ऑफ समल्फा प्लस लैमडा है दैट इज लेस देन वन वो कंडीशन मैंने यहाँ पे डाला है तो सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करेंगे तो सॉल्वर थोड़ा सा स्लो होगा इस केस में राइट तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आउटपुट लिया हुआ है उसी को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस वी आप सॉल्व कर सकते हो सेम ही आंसर आएगा बट आई एम जस्ट सेविंग सम टाइम तो अपने पास सम ऑफ लॉग लाइक्लूड आ गया फोर वन सिक्स नाइन पॉइंट सिक्स नाइन अगर आप आर्च मॉडल में देखते आपका सम ऑफ लॉग लाइकल्यूड कितना था फोर वन फाइव थ्री पॉइंट टू वन राइट तो आपको सम ऑफ लॉग लाइकलूड को मैक्सिमाइज करना था एक बारी आपने आर्च से मैक्सिमाइज किया एक बारी गार्च से किया तो आपका सम ऑफ लॉग लाइकलूड किस में ज्यादा आ रहा है गार्च में इसका मतलब स्टैटिस्टिकली गार्च इज अर सुपीरियर मॉडल टू आर्च मॉडल ठीक है गार्च जो है वो आपका सुपीरियर है बिकॉज आपका सम ऑफ लॉग लाइकलूड क्या है? आया है ज्यादा आया है एज कम्पेयर टू आर्च मॉडल सेकेंडली अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो आर्च में हम लोग सिर्फ क्या लेके चल रहे थे Innovations. गार्च में जो tendency होती है variance की कि variance tends to be persistent, as well as innovative, हम लोग वो दोनों लेके चल रहे हैं एट द सेम टाइम एक बार इस ओमेगा को देखते हैं मैंने आपको बोला कि आपका कंडीशन क्या है कि जो अल्फा प्लस जो आपका लैमडा है इट शुड बी लेस देन वन उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है कि गार्च मॉडल क्या बोलता है ना कि वेरिएंस सिर्फ परसिस्टेंट और इनोवेटिव नहीं होता वेरियंटोन मतलब, रिवर्टिंग ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइटली ऊपर जाता जाएगा या इनफाइनाइटली नीचे आता रहेगा राइट वो जो मीन रिवर्जन है दैट इज कैप्चर्ड इन दिस पैरामीटर विच इज ओमेगा यू कैन थिंक ऑफ ओमेगा एज गामा इंटू लॉन्ग रन वेरियंस गामा इंटू लॉन्ग रन वेरियंस तो ये जो आपका लॉन्ग रन वेरियंस है इट इज द मीन रिवर्टिंग लेवल लेवल इट इज द मीन रिवर्टिंग नाउ ये जो गामा है इट इज द वेट गिवन टू मीन रिवर्जन तो इसका मतलब इसका मतलब गार्च मॉडल तीन चीजों को वेट देता है एक तो परसिस्टेंस को वेट देता है बीटा इनोवेश को वेट देता है अल्फा एंड लॉन्ग रन वेरियंस को वेट देता है गामा राइट दैट इज वाई दाय हमने बोला था कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए

गामा कैसे निकलेगा बीटा तो मैं लॉन्ग रन वेरियंस कैसे निकलेगा लॉन्ग रन वेरियंस इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा गामा तो अपने पास मीन रिवर्टिंग वेरियंस आ जाएगा इक्वल टू ओमेगा इज दिस डिवाइड बाय गामा राइट और एक बारी मैं यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस राइट तो कितना आ रहा है पॉइंट एट सिक्स परसेंट दिस इज द मेन रिवर्टिंग वो दिस इज द मेन रिवर्टिंग वो तो इसका मतलब इसका मतलब गार्च मॉडल तीन चीजों को कैप्चर करता है वन इज परसिस्टेंस कि वेरिएंस टेंड्स टू परसिस्ट अराउंड द करंट लेवल वन इज इनोवेश मतलब न्यू इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वेरिएंस अपडेट होता है एंड वन इज मीन जन मतलब वेरियंस मूव टूवर्ड्स द मीन रिवर्टिंग लेवल राइट तो अगर अगर मुझे इंश्योर करना है कि मेरा मॉडल मीन रिवर्टिंग हो देन अल्फा प्लस लैम्डा शुड बी लेस देन वन क्यों अभी दिखा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू वन अगर आपका अल्फा प्लस बीटा या जो अल्फा प्लस लैम्डा हमने लिया है ग्रेटर देन वन हुआ तो आपका गामा लेस देन जीरो आएगा गामा लेस देन आने का मतलब क्या हो गया मीन मीन फ्लिंग रादर देन रिवर्टिंग फॉर गयािटी है पॉइंट एट सिक्स परसेंट और आपका करंट वोलाटिलिटी है पॉइंट फोर फाइव परसेंट अगर आपका गामा पॉजिटिव है तो यह मॉडल बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम आपका जो वोलाटिलिटी आएगा ना वो ऊपर की तरफ आएगा बिकॉज आपका मीन रिवर्टिंग लेवल ऊपर की तरफ है राइट right? मतलब वो पॉइंट एट सिक्स परसेंट की तरफ जाएगा पॉइंट एट सिक्स की तरफ जाएगा और वही अगर आपका गामा नेगेटिव आया इसका मतलब योर मॉडल इज मीन फ्लिंग योर मॉडल इज मीन फ्लिंग तो उस केस में आपका जो वोलाटिलिटी है वो पॉइंट फोर फाइव परसेंट से और गिरेगा मतलब वो पॉइंट एट सिक्स परसेंट की तरफ नहीं जाएगा वो गिरेगा पॉइंट फोर फाइव परसेंट के नीचे आ जाएगा राइट right. तो वो तो हम चाहते नहीं है तो हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा मॉडल मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी को कैप्चर करे तो आपका अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन वन आपका अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन वन उस केस में आपका गामा पॉजिटिव आएगा गामा पॉजिटिव आने का मतलब आपका वेरियंस क्या है मीन रिवर्टिंग है राइट right. तो अगर किसी भी एस्पेक्ट में हम लोग देखे स्टैटिस्टिकली हमने देखा सम ऑफ लॉग लाइकल्यूड आर्च मॉडल का और गार्च मॉडल का तो गार्च मॉडल का सम ऑफ लॉग लाइक्लूड ज्यादा आया है इसका मतलब गार्च मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सुपीरियर टू आर्च मॉडल अगर हम लॉजिकली uh, भी सोचे तो गार्च मॉडल वेरिएंस में जो जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब इनकॉर्पोरेट कर रहा है वन इज परसिस्टेंस वन इज इनोवेशन एंड वन इज मीन रिवर्जन तो प्रसिस्टेंस को हम लोग वेट दे रहे हैं दिस बीटा इनोवेशन को वेट दे रहे हैं एल्फा एंड लॉन्ग रन मीन रिवर्टिंग लेवल को वेट दे रहे हैं गामा अगर आप चाहते हो कि आपका वेरियंस मीन रिवर्टिंग हो ना कि मीन फ्लिंग तो आपका गामा जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन वन इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाला है कि आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो लेस देन वन हो इज दैट क्लियर और अगर मुझे एक बार दोनों मॉडल्स को कंपेयर करना है विद द एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे पास ये एक्चुअल वेरियंस था एक्चुअल वेरियंस जो हमने डेटा से निकाला था इसको कॉपी कर रहा हूं एंड आई एम पेस्टिंग इट ओवर हेयर राइट right. और एक बारी आर्च से जो हमारा वेरियंस आता है उसको प्लॉट करते हैं एक बारी आर्च से जो वेरियंस आता है उसको प्लॉट करते हैं ठीक है लेट मी मेक दिस कलर रेड देख के बताना कि क्या हम चेंजिंग वेरिएंस को जैसा हमें डेटा में ऑब्जर्व किया था वैसा कही कहीं ना कहीं मॉडल कर पा रहे थ्रू आर्च ठीक है हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जिस तरह का ऑब्जर्वड वेरियंस है जो हमने रियल डेटा में ऑब्जर्व किया था आर्च मॉडल भी हमें उस तरह का वेरियंस दे रहा है इनफैक्ट कॉन्स्टेंट वेरियंसेंट वेरियंस से तो अच्छा ही है एंड वी कैन सी कि जहां पर भी वेरियंसिस में स्पाइक है आर्च मॉडल उसको ठीक से मॉडल कर पा रहा है इसका मतलब आर्च मॉडल इज अ गुड मॉडल राइट ये जो मॉडल है अच्छा मॉडल है ना बिकॉज पहले हम लोग कॉन्स्टेंट वेरियंस एज्यूम कर रहे थे जबकि एक्चुअल में वेरियंस इज वॉलेटाइल तो हमने वो वोलाटिलिटी को कैप्चर किया थ्रू दिस आर्च मैकेनिज्म राइट एक बारी गार्च मॉडल को भी देखते हैं कॉपी लेट्स पेस्ट इट ओवर हेयर आई गो टू इंसर्ट कर रहा हूं यहां पर लेट मी मेक दिस कलर रेड ठीक है अगेन आप देख सकते हो जो गार्च मॉडल है वो भी ये सारे स्पाइक्स को कैप्चर कर पा रहा है राइट right. इसका मतलब इसका मतलब कांस्टेंट वेरिएंस से तो अच्छा है ये आर्च एंड गार्च मॉडल राइट right. मैंने यहां एक कंपैरिजन भी किया है यहां मैंने एक कंपैरिजन भी किया है जिसमें आई हैव प्लॉटेड ऑल द थ्री मॉडल्स रिजल्ट्स वन इज ओएलएस मॉडल जिसमें हम लोग कांस्टेंट वेरियंस लेके चलते हैं वन इज आर्च मॉडल ठीक है विच इज दिस रेड लाइन एंड वन इज इज मॉडल दिस येलो लाइन राइट तो कॉन्स्टेंट मॉडल से अच्छा है ये आर्च एंड गार्च मॉडल एंड आर्च एंड गार्च में से कौन सा मॉडल सुपीरियर है मैंने आपको बोला स्टैटिस्टिकली भी हमने देख लिया कि गार्च मॉडल में सम ऑफ लॉग लैकलूड ज्यादा आ रहा है एंड लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो गार्च इनकॉर्पोरेट कर रहा है परसिस्टेंस को भी इनोवेशन को भी मीन रिवर्टिंग टेंडेंसी को भी तो गार्च इज अपीरियर मॉडल एज कम्पेयर टू आर्च मॉडल राइट तो हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया हमें एक रिग्रेशन मॉडल बनाना है वो रिग्रेशन मॉडल में जो एर टर्म्स है दैट शुड बी आई

जा रहे हैं वो हमने पीएससीएफ से डिसाइड किया राइट right? देन हमने बोला कि वेरिएंस में टेंडेंसी होता है परसिस्टेंस का इनोवेशन का फिर हमने डिस्कस किया कि वेरिएंस में टेंडेंसी होता है परसिस्टेंस का इनोवेशन का तो हमने एक मॉडल बिल्ड किया गार्च मॉडल विच इज अ जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ आर्च मॉडल जहां पर हम लोग बोलते हैं कि वेरियंस जो है

वेट आ गया टू मीन रिवर्जन लेवल उससे मैंने लॉन्ग रन वेरिएंस निकाल लिया एंड लॉन्ग रन वोलाटिलिटी मतलब अगर मुझे इंश्योर करना है कि मेरा हो, तो मीन रिवर्टिंग the अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर जीरो हुआ तो मेरा वेरिएंस मीन फ्लिंग हो जाएगा रादर देन मीन रिवर्टिंग विच विल बी रॉन्ग राइट तो दिस इज ऑल अबाउट गार्च मॉडल नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वीआरएम में जो वार की सीरीज में थर्ड चैप्टर है उसमें ये गार्च और आर्च मॉडल गिवन है राइट right? तो इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड को को भी पिक्चर में लेके आएंगे राइट सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू